सेकेंड हैंड फोन खरीदने से पहले जरूर रखें इन पांच बातों का ध्यान, नहीं तो बाद में होगा पछतावा। आजकल हर किसी के लिए मोबाइल फोन रखना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि मोबाइल की मदद से हम दूसरे राज्य या देश में बैठे अपने रिश्तेदारों से किसी भी समय बात कर सकते हैं। वहीं मोबाइल फोन की मदद से हम कुछ कामों को चुटकियों में कर लेते हैं। आजकल ज्यादातर चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, जैसे बिजली का बिल भरना हो, ऑनलाइन कोई चीज लेनी हो, ट्रेन या हवाई जहाज की टिकट बुक करनी हो, ये सब काम हम घर बैठकर कभी भी कर सकते हैं। बहुत से लोग इसलिए लेटेस्ट फोन खरीदते हैं ताकि उन्हें इन कामों को करने में कोई मुश्किल ना हो। कुछ लोग महंगे महंगे फोन खरीदते हैं, वहीं जिन लोगों के पास पैसों की कमी होती है वो सेकंड हैंड यानी यूज्ड फोन खरीदते हैं। यदि आप कुछ बातों को ध्यान में ना रखकर सेकंड हैंड फोन खरीदते हैं तो ये आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सेकंड हैंड फोन खरीदने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा पुराना मोबाइल ना खरीदें। सेकंड हैंड फोन लेते समय इस बार का खास ख्याल रखें कि बहुत पुराना मोबाइल ना खरीदें, क्योंकि इससे आपको ही नुकसान हो सकता है। भविष्य में इस फोन की वजह से आपको पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। शायद आपको ना पता हो कि किसी भी गैजेट का एक तय समय होता है, वो तभी तक सही से काम करता है, उसके बाद गैजेट खराब हो जाता है। जरूर करें फोन की जांच। आप जिस फोन को खरीदने जा रहे हैं उसकी अच्छी तरह से जांच कर लें। फोन कहीं से टूटा तो नहीं है? फोन का टच और बटन ठीक ढंग से काम कर रहा है या नहीं? इसके अलावा फोन के कैमरे की भी अच्छी तरह से जांच कर लें। फोन के साथ मिलने वाली एक्सेसरी जैसे डेटा केबल, चार्जिंग केबल, ईयरफोन असली है नकली तो नहीं? फोन कहीं चोरी का तो नहीं? सेकेंड हैंड फोन खरीदने वाले व्यक्ति के मन में ये डर बना रहता है कि कहीं उसके द्वारा खरीदा गया फोन चोरी का तो नहीं है, इसलिए सेकेंड हैंड फोन खरीदने से पहले फोन के मालिक से फोन का असली बिल जरूर मांगे, और अगर वो बिल देने में आनाकानी करे तो फोन को ना खरीदे। यदि आपके मन में ये दुविधा है कि आपके द्वारा खरीदा गया फोन चोरी का है तो इसके लिए 06 को डायल करके ईमेल नंबर चेक कर ले। अगर ऑनलाइन खरीद रहे हैं फोन, अगर आप ऑनलाइन से सेकंड हैंड फोन खरीद रहे हैं तो रिटर्न पॉलिसी की जानकारी जरूर जान लें, ताकि अगर आपका फोन जल्दी खराब हो जाए तो आप उस फोन को वापस कर सकें। इसके साथ ही ऑनलाइन साइट से फोन लेते समय पैसे का भुगतान सिक्योर ढंग से करें, जैसे पेपल आदि। ऐसा करने से आपको ये फायदा मिलेगा कि जब आप खबर फोन को वापस लौटाएंगे तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। फोन की वारंटी, आप जिस भी व्यक्ति से सेकंड हैंड फोन खरीद रहे हैं उससे फोन की कुछ समय की वारंटी मांग लें।